दोस्तों इस टूर के दौरान हम लोग अभी पोखरा में हैं और उसके बाद अभी पोखरा से चल के हम लोग आए हैं सारंगकोट के पास। तो देखते हैं यहाँ पे पैराग्लाइडिंग कैसे कैसे होता है। और आप यहाँ मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि थोड़ा बहुत पैराग्लाइडिंग कुछ दिखाई भी दे रहा होगा आपको वहाँ पे। तो चलिए और ऊपर चलते हैं क्योंकि हाइट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और क्योंकि हम लोग स्कूटी से हैं। ये हमारी स्कूटी है जिससे हम लोग अभी चल के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो देखते हैं, स्कूटी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है अभी तक। हम लोग काफ़ी अच्छे से इस जर्नी को आगे की ओर लेके आए हैं पटना से पोखरा तक। यहाँ से आप देखिए कि कहाँ पे हमने आपको जब बताया था कि हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो वो रास्ता वहाँ से था और वहाँ से होते हुए हम लोग ऊपर की ओर आए हैं। और पैराग्लाइडिंग जो है वहाँ से स्टार्ट होता है क्योंकि हम उसके टॉप पे हैं। तो आपको हम बता सकते हैं कि वहाँ से आप देख सकते हैं, वो छोटा छोटा आपको यहाँ से दिख रहा होगा। और ये आपका पूरा खूबसूरत शहर है जो वहाँ से वहाँ तक फैला हुआ है। इसके साथ वहाँ एयरपोर्ट है और ये आपका लेक है। फाइनली हम उस जगह पे पहुँच गए हैं जहाँ आप देख के आप खुश हो जाएंगे कि वाकई में कितना बड़ा स्पॉट है घूमने का। आप यहाँ पे देखिए कितना, यहाँ से जो पर्वत श्रृंखला शुरू होती है वो आप देखिए। अभी बादल आने की वजह से आपको शायद नहीं दिख रहा हो, बट आप ये देख सकते हैं कि ये शहर कहाँ से कहाँ तक है। ये शहर आप देखिए यहाँ से आप दिखाएं देखते हुए, वो शहर आपका वहाँ से होते हुए वहाँ तक है पूरा। और ये जो लेक है जहाँ पे हम लोग ने रुका है तो आपको ऑलरेडी बता दिया है, वहाँ एक एयरपोर्ट है। पैराग्लाइडिंग ऑलरेडी हो रही है वहाँ पे। तो काफ़ी सुंदर प्लेस है और जब भी आप इस पॉइंट पे आएँ ज़रूर घूमें, कि इससे बेस्ट लोकेशन आपको पोखरा में कहीं नहीं मिलेगा। खासकर ये आप देखिए कि ये टेलीस्कोप यहाँ लगा हुआ है जो आपको माउंटेन का व्यू दिखाता है। तो अभी हम लोग इसके 20 रुपये चार्ज है ओनली, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं होता, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। 20 रुपये में खाली है तो आराम से घूम सकते हैं। बाकी आप देखने वाली चीज़ें क्या, लेक व्यू भी वगैरह देख सकते हैं। लेक काफ़ी सुंदर है और इस पॉइंट से तो आपको दिख ही रहा होगा कि कितना सुंदर नज़ारा है। एक बार मैं रवि को बोलूँगा कि इधर भी एक बार दिखा दे रही। श्रृंखला देख सकते हैं और वो जगह जो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में दिखाई है, वो एक आपको जो शांति स्तूप दिख रहा है वो वहाँ पे हम लोग ने गए थे, वहाँ से हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। तो लास्टली फाइनली हम लोग वहाँ से वैसे होते हुए उस तरह से वापस यहाँ आए। काफ़ी बेहतरीन जगह है, जब भी आप घूमने आए बिल्कुल ज़रूर घूमें, इस पॉइंट को मिस ना करें। तो फाइनली हम उस जगह पर आ गए हैं जहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है। तो चलिए वहाँ देखते हैं और कैसे कैसे पैराग्लाइडिंग वगैरह होती है यहाँ पे। तो चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं क्या खास नज़ारा है वहाँ का और किस तरह से पैराग्लाइडिंग की जाती है, वो एक्टिविटी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। काफ़ी अच्छा प्लेस है, ज़रूर एक बार घूमने आइए, बहुत मज़ेदार है। Thank you.